ठीक है मैं सब कुछ ना कुछ करता हूँ, अभी संकट को तो निवारण करना ही। गणेश जी जब रावण लेकर चला था तो उसको समुद्र पार करना था, लेकिन उन्होंने एक संकट निर्माण कर दिया रावण को, उसको मूत्र आना शुरू, बहुत जोरों से आ रहा था रावण उसको आत्मलिंग को। शिव जी ने कहा था कि इसको नीचे नहीं रखना है किसी भी हालत में, लंका ले गए तक, और अपवित्रता से इसको हाथ में पकड़ना नहीं है। अब कैसे? तो उन्होंने वहाँ से देख रहे थे, माँ को पहले ही भेज दिया, माँ तुम चलो मैं आ रहा हूँ। अब वहाँ गणेश जी ने संकट रावण को निर्माण कर दिया और वे अपने पशुपालक के रूप में वहाँ खड़े रहे। तो रावण ने जोर से आवाज दिया, अरे इधर आ इधर आए। बोले क्या? जरा मैं लघुशंका जाके आता हूँ, तब तक इस शिवलिंग को तो हाथ में पकड़ लेना। वो मेरे से नहीं होता। अरे तेरे बात कर रहा हूँ, तू जो भी मांगेगा देता हूँ, ये तू पहले पकड़ के ले। बोले मैं 3 बार पुकारता हूँ, अगर तू नहीं आया तो मैं नीचे रख देता हूँ। अब रावण ने कहा कुछ भी हो अभी नहीं तो धोती में गिर गया। उन्हें कहा ये तो तू पकड़ ले। उन्होंने पकड़ लिया हाथ में शिवलिंग। रावण जाके बैठता भी नहीं है, इन्हें एक आवाज दे दी। अरे क्या? इसलिए हमारे पास कहते हैं पोते एटला बोलता हूँ, रावण लघुशंका ना पोते आने घंटा घंटा दर पर डटे हुए, ऐसा बोलते हैं ना। लघुशंका रावण गए तो एक घंटा समुद्र के उतने उतना मूत्र करता था, तो अभी गया एक बार पहले पुकारा, दूसरी बार पुकारा गणेश जी थे, वो कैसा भी संकट निर्माण तो किया था उन्होंने। और तीसरी बार जब पुकारने गए, रावण आधे में उठ नहीं सकता था ना, भाग के आ सकता। उसने कहा 3 बार पुकारा हूँ शिवलिंग रख दे रहा हूँ। रावण अपनी मेहनत पूरी चले गई, जो शिवजी को बाद में पूछने के बाद वो आए, देखते क्या है कि सारे गाय जो चरा रहा था गाय के साथ वो आदमी गायब है, जो पकड़ा हुआ था शिवलिंग तो वहाँ रख दिया। सब जाते जाते कहते हैं कि जमीन में आखिरी में एक गाय अंदर जमीन में घुस जा रही थी, तब उसका सिंह कान पकड़ कर रावण ने पकड़ा कि कम से कम इससे तो पता चलेगा ये कौन था, या मेरे को ऐसा फंसा के चला गया, मेरा आत्मलिंग तो चला गया, और आत्मलिंग तो जैसा शिव जी ने कहा तो चला गया। तो जैसा ही उन्होंने गाय का सिंह और कान पकड़ लिया तो कान तक ऊपर रहेगा, बाकी में कितना खींचने पर भी नहीं आया, जमीन हिल रही थी लेकिन वो गाय बाहर नहीं आ रही थी। आज उसे गोकर्ण के नाम से जानते हैं और हम उस गोकर्ण की पूजा करते हैं जहाँ आत्मलिंग है। ये कहानी आप सभी को मालूम है, लेकिन रावण खिन्न होकर बैठा हुआ था कि ये किसने किया मेरे को ये संकट निर्माण, इतना मैं प्रयत्न करके आने के बाद ये संकट किसने निर्माण किया। तो उन्होंने कहा अरे ये तो बात अब हम नारद जी से पूछना चाहिए। उन्होंने नारद को बुलाया, भाई साहब जरा इधर आइए। नारद घबरा गए, अब ये अगर इसको गुस्सा आ गया तो इधर का उधर कर लेगा, मेरे क्या करना है। बोले जरा इधर आओ, मैं कुछ भी किसी को कुछ नहीं मिलता, एक बात बता दो मुझे, कभी लघुशंका इतनी जोर से आई नहीं, आत्मलिंगा पकड़ लिया लघुशंका है, और ये जो बच्चा था पूरे गाय के साथ गाय हो गया, ये कौन था। अरे मुझे क्या मालूम यार, मैं तो भ्रमण करने वाला, इधर में सच्ची बात बताते हो या मेरा आगे स्टेप ले क्या, सर डिग्री भी चले जाऊं। नारद को पता है कि इसका गुस्सा बहुत ही खतरनाक होता है, इससे उपेक्षा करना चाहिए। उसने कहा कि प्रभु ये कोई नहीं है, ये साक्षात गणेश जी ही थे जो तुम्हें आत्मलिंग ले जा रहे थे, तो उन्होंने तुम्हें रोका है। रावण को गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि गणेश जी मेरे कार्य में इतना विघ्न डालते हैं। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि राम गणेश जी आप कहाँ हैं, कितनी बार भी पुकारे गणेश जी नहीं है। तो नारद ने कहा क्या गणेश जी तुम्हारे हाथ का खेल है, तो संकटों का निवारण करने, अगर तुम गुस्सा करोगे तो तुम्हारे संकट और भी ज्यादा आएंगे, उनको प्रसन्न करके बुलाओ, वो आएंगे तो देखेंगे। अब रावण ने पूरा गुस्सा निगल लिया और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए देखने लगे कि प्रभु इतने समय में मैं किस कैसे पुकारूं और गणेश जी मेरे पास आ जाए, गणेश जी मेरे संकटों का निवारण करें और गणेश मुझे मेरे जीवन में प्रसन्न हो जाए, क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि ही थी, वो लेके जा रहा था और वो गायों के साथ पूजा थी। तो उन्होंने गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए अपने ताते ने उनके दादाजी को कहा कि मुझे किसी भी तरह गणेश जी को प्रसन्न करके मेरे सामने लाओ, ऐसा क्यों हुआ मैं उनसे पूछना चाहता हूँ।
तो दादाजी ने कहा, जैसे तूने बीजाक्षरों से रुद्र को प्रसन्न किया है, वैसे ही एक चार बीजाक्षर है, उन बीजाक्षरों को बोले और सहस्त्रलिंगार्चन हो रहा है तो निश्चित रूप से गणेश जी प्रसन्न होकर हो जाए, तो जो भी पूछेगा तेरी बात को मानेंगे। और वो चार बीजाक्षर है वम सम लम सह, इन चार बीजाक्षरों को आज सहस्त्रलिंगार्चन में जो भी 6000 बार जपता है उसको गणेश जी निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। और इन मंत्रों का 6000 जब पूरा ही नहीं हुआ कि गणेश जी प्रसन्न होकर आए, गणेश जी आने के बाद गणेश जी को नमस्कार किया रावण ने, लेकिन गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था कि मेरी इतना तपस्या किया, आत्मलिंग को आपने यहाँ से ले गया, तो गणेश जी को भी थोड़ा था, ये रावण मामू ने शिव के कैलाश को हिला दिया, ये मेरे को क्या करेगा। आने के बाद उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था, तो रावण ने कहते हैं कि अपने इस मुट्ठी से उनके ऊपर जैसा अपने बच्चों को मारते हो वैसा उनके सर पे मारा। आज भी आप गोकर्ण में जाते हैं तो आप गणेश जी को देखेंगे, उनके सर के ऊपर है, जहां हम प्रवेश करने से पहले गणेश जी के सर पे रावण को मारा हुआ और उसका सूझा हुआ दिखता है आज भी गणेश जी को वहाँ। और गणेश जी एकदम डर के मारे गए, गणेश जी को मारने के बाद फिर उन्होंने साष्टांग नमस्कार करके कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं गुस्से को नहीं रोक सक रहा था, रावण ने गणेश जी के सर पे मारने के बाद जिसे आप कहते हैं जैसा उठके बुक्सा, क्या बोलते हैं आप उठके ऐसा जैसा आता मार से, वो उनके सर पर आज भी गोकर्ण में जाने के बाद आप देख सकते हैं। तो गणेश जी पर भी ऐसा अधिकार रखने वाले, और फिर गणेश जी को प्रसन्न करके मुझे गुस्सा आया था, मैं किया, मुझे क्षमा करो, गणेश जी ने मांगा, गणेश जी ने कहा, लेकिन गणेश जी ने भी कहा, हे रावण आज जो तूने गलती की है इसी समुद्र पर, इसी समुद्र के पास से तू किसी एक ऐसे नर से तू मारा जाएगा, तेरे पर संकट आने वाला है, मैं गणेश कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, मरना तो किसी को भी है प्रभु, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति हो और उस समय आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे और मुझे मोक्ष मार्ग को भेज देंगे। गणेश ने कहा, तो खास और प्रसन्न होने की बात कहते हुए गणेश प्रसन्न हो। तो ये जो दो बीजाक्षर मैंने आपको बताए, जिससे आज रुद्र प्रसन्न हो या गणेश जी प्रसन्न हो, ये दोनों का जो भी 60 मालाएं, 6000 का मतलब होता है 60 मालाएं जब करें, गणेश जी के बीजाक्षर मंत्र है 4 ही, वम सम लम सह, और शिव जी के मंत्र है 8, उस मंत्र का जो आज 60 माला जप करता है उनके ऊपर रुद्रदेव प्रसन्न करते हैं। आप कुछ कर ये 60 माला प्रसन्न करके सहस्त्रलिंगार्चन के सामने झुक जाओ और आप आपकी मन की इच्छा बोल लो, देखो आपको अगले सहस्त्रलिंगार्चन तक आपकी इच्छा पूर्ण होगी या नहीं होगी, आपको ये देखना है। मैं ये मंत्र यूं ही नहीं निकाला हूँ, मैं कहता हूँ कि हम उतनी दूर से हरिद्वार इस गंगा के तीर पर आए हैं, जो भी आए हैं उनका सौभाग्य है, और वो लोग कल के दिन कहें कि हमने अनिल गुरु जी के साथ गए थे हरिद्वार, शास्त्र लिंगार्चन हमने किया और वहाँ हमने ये मंत्र करके पाया कि हमारे को भगवान रुद्र प्रसन्न हुए। आप ये बोलते हैं तो मेरी भी छाती फूल जाएगी, मैं मेरे गुरु जी को भी कहूँगा कि प्रभु आपने मुझे जो ज्ञान दिया मैं दिया है, आपकी कृपा से इनकी इच्छाएं पूर्ण हो। और ये लोग जाकर कहें कि कल के दिन ऐसा मंत्र आज तक किसी ने नहीं दिया, ये मंत्र दिया है, इस मंत्र से हमें लाभ हुआ है। मैं आप सभी इतने दूर आने पर आपकी इच्छा पूर्ण हो, यही मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा पूर्ण हो, आपको रुद्रदेव प्रसन्न हो, गणेश जी प्रसन्न हो और आप उस कार्य को करें। अब आपको ये करना है कि गुरु जी हम सोए नहीं, सुबह से एकादशी शिवरात्रि है, शिवरात्रि तो मैं आपको कहता हूँ मेरे बचपन 14 साल से भी मैं सुबह से कुछ भी नहीं खा के सुबह 6 बजे तक जागरण करता था, शिवलामृत पढ़ते थे। आज अभी बीवी आई सोने नहीं देती, सो जाओ बोलती, या अगर एज हो गया बोलती, वो कुछ ना कुछ बच्चे हैं सब हैं और आप लोग भी मुझे सोने नहीं देते, नहीं तो पहले से भी मैं कभी तक जागरण ऐसा करता था कि सुबह जागृत हुआ तो दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक जागरण करता था। आप में शक्ति है और आपकी इच्छा है कि रुद्रदेव प्रसन्न हो, गणेश जी प्रसन्न हो, तो केवल 60 माला है, मैं समझता हूँ 60 माला 60 मिनट में हो जाएगी, 1 घंटे में गणेश जी के मंत्र का, और दूसरा मंत्र जो है 2 घंटे में होगी ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद आज 11 से 1 बजे तक हमारी वाचा सिद्धि हो, यानी भगवान शिव जी को हम मांगते हैं कि प्रभु वो लिंगोद्भव काल है, यानी पृथ्वी से पहली बार पृथ्वी पर लिंग उद्भव हुआ था उसे रात के 12 बजे लिंगोद्भव काल कहा जाता है, माता पार्वती का कल्याण भी उसी समय हुआ था, और लिंगोद्भव काल में शिवजी के ऊपर तुलसी और बिलोपत्र जो चढ़ाते हैं वो भगवान हरिहर को, विष्णु को, गंगा को, सभी को प्रसन्न करने वाले कहा जाता है। उसका केवल आप 12 से 1 बजे तक एक तुलसी का या ग्यारह आप
एक तुलसी पत्र और एक बिलो पत्र लेकर इस मंत्र को 11 बार बोलकर अगर बारात के 12 बजे चढ़ाते हैं तो आपकी वाचा सिद्धि होती है। वो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो लिंगोद्भव रुद्र देही में वाचा सिद्धि चिंतितम देही देही राम रेम ओम रेम। मेरे को वाचा सिद्धि, मैं जो भी बोलता हूँ सच हो प्रभु, ऐसा होने के लिए मैं आपको ये बिलो पत्र और तुलसी चढ़ाना, मेरी वाचा सिद्धि हो और मैं जिस कारण अच्छी जो अच्छे काम करते हुए अच्छी बात बोलूँ उसकी सिद्धि मुझे प्रदान करो, ऐसा हम शिवजी से प्रार्थना करते हैं। वो लिंगोद्भव काल में रात में 12 से 1 बजे के बीच में है। तो केवल एक बिलोपत्र और एक तुलसी आपके पास रख लो और आप उसके शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं सहस्त्र लिंगार्चन में, तब भी पूजा आरती होगी। 11 बजे पूजा आरंभ करूंगा, 12 बजे तक पूर्ण करूंगा और आप सभी को भी बिलोपत्र और तुलसी चढ़ाने का मौका दूंगा। तब ये मंत्र केवल 11 बार बोलना है। दत्तू भैया ने व्हाट्सएप पर आप सभी को मंत्र भेज दिया है, फिर भी आप एक बार देखो। जिनको नींद आ रही है वो लोग जाके सो जा सकते हैं और जिन्हें खाना है वो लोग खा सकते हैं। जिन्हें साधनाओं के प्रति कोई निष्ठा है, साधना करना चाहिए, वो लोग यहाँ बैठे रहो। मैं यहाँ 1 बजे तक यहीं बैठा हुआ हूँ। आप सब लोग भी अगर करना चाहते हैं तो साधना करो, नहीं खाना खा के सो जाना। मैं सभी को आपको स्वतंत्र हैं आप कार्य करने के लिए। मंत्र आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया गया है, कोई किसी भी माला से आप इस मंत्र को कर सकते हैं। रात के 12 से 1 बजे लिंगोद्भव काल में तुलसी और बिलोपत्र चढ़ाना है और पहले इन 60 मालाओं को बोलाऊँ, आपको हो सकता है तो आप कर सकते हैं। अभी दत्तू भैया का कहना है कि जिनको महाशिवरात्रि का उपवास है, महाशिवरात्रि का उपवास है वो लोग जाकर वहाँ शिवरात्रि के उपवास की खिचड़ी और वो बनाए, अगर जो भी बनाए उपवास का खा लेके आ जाए, और जिनको उपवास नहीं है नहीं उपवास का भी बनाए वो खा लेकर यहाँ आ जाओ। आपको खा लेके आने के बाद आप मंदिर में प्रारंभ करते हैं। हम सब लोग 1 बजे फिर 12 बजे सहस्त्र लिंगार्चन की पूजा करके आरती करके अपनी जगह जाकर सो जाएंगे। मैं 1 बजे तक यहीं हूँ। आप सभी को एक आधा घंटा घंटा इसका काम देता हूँ, आप खाना खाकर आप यहाँ आ जाओ। वहाँ रेडी है, आप जो भी एकादशी उपवास करने वाले